वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझेंगे फाइबर क्या होता है। हम सभी जानते हैं फाइबर फैब्रिक्स बनाने के लिए या कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब तक फाइबर नहीं होगा तब तक कपड़ा नहीं बन सकता। इसलिए फाइबर के मदद से कपड़ा बनाया जा सकता है। अब फाइबर दो प्रकार से हमें मिल सकता है, एक प्लांट से, दूसरा एनिमल से। तो जो प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है उसको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं, ठीक है। और फाइबर दो प्रकार का हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, एक नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर का दूसरा नाम भी है, वो है मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर नेचर के द्वारा मिलता है, जैसे प्लांट और एनिमल के द्वारा, और सिंथेटिक फाइबर केमिकल से बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, रेयन हो गया, नायलॉन हो गया। तो हमको लगता है आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। पॉलीमर क्या होता है पहले उसको हम लोग समझेंगे। पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मैनी और मेर का मतलब होता है पार्ट। एक पॉलीमर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। जब हम एक कपड़ा लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कॉटन लिए, कॉटन कपड़ा में से अगर हम उसका थ्रेड निकालते हैं या फाइबर निकालते हैं, अगर हम उसको जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप के मदद से, तो हम ये देख पाएंगे बहुत सारे स्ट्रिप्स। वो स्ट्रिप्स क्या है? वही है पॉलीमर। और उस पॉलीमर के अंदर हम बहुत गौर से अगर देखेंगे एक एक मॉलिक्यूल मिल करके पॉलीमर बनाता है, और एक एक मॉलिक्यूल मिलके जो बनाता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। इसलिए उसका नाम है मोनो। मोनो मतलब एक, समझ गए? ओके। द प्रोसेस बाय विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन किसको कहते हैं? मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर को बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे पॉलीमर्स क्या क्या होता है। तीन प्रकार के पॉलीमर्स हो सकते हैं, पहला नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर्स, तीसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर उसको कहेंगे जो प्लांट और एनिमल के द्वारा जो मिलता है, जो पॉलीमर प्लांट और एनिमल के द्वारा मिले उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल पॉलीमर। द पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। जैसे कॉटन का पॉलीमर हो जाता है सेलुलोज, वैसे सिल्क का अलग हो सकता है नाम। सिंथेटिक पॉलीमर किसको कहते हैं आप समझेंगे। पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज फ्रॉम केमिकल्स। एक बात समझ में आता है, सिंथेटिक फाइबर्स के लिए हमको नेचर से कुछ नहीं मिलता है, वो बनता किससे है? केमिकल्स से बनता है। उसके बाद है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इस सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में क्या होता है, इसमें नेचर का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेचर का भी इस्तेमाल, नेचर का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल, फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं इसमें, और केमिकल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, रेयन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स क्या क्या है? रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। ये तीनों नाम आपने बहुत बार सुना होगा, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझेंगे। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। रेयन वुड पल्प के द्वारा बनाया जाता है। तो वुड क्या हुआ, मैंने पहले बताया था
ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है, और रेयॉन वुड में का पल्प से और केमिकल के मदद से रेयॉन बनता है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया, यहाँ नेचुरल प्रोडक्ट भी है और केमिकल भी है, ठीक है, और इससे रेयॉन बनता है। और रेयॉन कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कारपेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैंडेज हो गया, वो रेयॉन फाइबर से बनता है, ठीक है। और रेयॉन जब कॉटन से मिलाते हैं, कॉटन से मिल करके बेडशीट भी बनाया जा सकता है, और वूल से मिल करके कारपेट्स भी बनाया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन फाइबर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और लस्ट्रस चमक भी होता है उसमें, और इजी टू वॉश, साफ करने के लिए भी बहुत आसान होता है, और कपड़े बनने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है नायलॉन। और इसका इस्तेमाल देखते हैं क्या क्या बनाया जा सकता है, जैसे सॉक्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, कार सीट बेल्ट बनाने के लिए, स्लीपिंग बैग्स बनाने के लिए नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा आपसे, जो क्लाइंबर्स को आपने देखा होगा, माउंटेन क्लाइंबर्स को, जिसको माउंटेनियर्स कहा जाता है, वो एक रस्सी के मदद से ऊपर चढ़ते हैं। वो रस्सी किस चीज़ से बना जाता है पता है आपको? वो नायलॉन से बनता है, नायलॉन से। ओके, जरूर याद रखिएगा, ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। आप समझ सकते हैं, स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है नायलॉन का रस्सी। तो नायलॉन कितना मजबूत होता है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन मेड फाइबर इन द वर्ल्ड। पॉलिएस्टर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मैन मेड फाइबर है। पॉली प्लस ईस्टर। ईस्टर जो है एक केमिकल है जो फ्रूटी स्मेल के साथ होता है। फ्रूटी स्मेल का मतलब फ्रूट का स्मेल होता है उसमें, और उस केमिकल की मदद से बनाया जाता है। आपने सुना होगा टेरी कॉट, टेरी वूल, टेरी सिल्क, पूरे दुनिया में बहुत फेमस पॉलिस्टर है, ठीक है। और एक खासियत क्या है, पॉलिस्टर का बनाया हुआ कपड़ा को आप बिना आयरन करके भी पहन सकते हैं, और साफ करने में भी बहुत आसान होता है। पॉपुलर पॉलिस्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा एक पॉलिस्टर बहुत इस्तेमाल होता है वो है टेरेलिन और डैक्रॉन, ठीक है। और ये पॉलिस्टर जो है इसमें नेचुरल फाइबर को मिक्स करके इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक इज़ ए सिंथेटिक फाइबर, इट्स ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वूल। जैसे मैंने बताया था रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है, एक्रिलिक जो है यह ऐसे सिंथेटिक फाइबर है जो आर्टिफिशियल वूल के नाम पे भी जाना जाता है। और ये नायलॉन और पॉलिएस्टर की तरह बहुत फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत पुअर स्टेबिलिटी है, ज़्यादा दिन तक ये टिक नहीं पाता है और सिकुड़ जाता है। और ये ज़्यादातर स्वेटर्स बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए और विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग क्या क्या देखे हैं, फाइबर के बारे में देखे हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में देखे हैं, पॉलीमर क्या होता है वो देखे हैं,
मोनोमर क्या होता है वो देखे हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो देखे हैं, कितनी प्रकार के पॉलीमर हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं मैंने बताया, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन सा पार्ट्स आते हैं मैंने बताया, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ओके, इसको याद कर लीजिए इस छुट्टी में। धन्यवाद। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट कल YouTube पर पब्लिश हो जाएगा। धन्यवाद।